नमस्कार, आज मैं आपको हेयर बैंड बनाना बताऊंगी। हेयर बैंड देखिए, ये घर में कैसे बनाया जाता है, ये मैंने घर में हाथ से बनाया है। तो ये कैसे बनाया जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगी। चलिए इसको सीखते हैं। ये देखिए, ये मैंने इतना कपड़ा लिया है। देखिए, बैंड पतला भी चाहे आप बनाइए या बड़ा वाला बैंड बनाइए, हेयर बैंड बनाइए, जिस तरीके का उतना ही कपड़ा लगेगा। ये मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगी तो इसलिए मैंने कपड़ा इतना लिया हुआ है। कपड़ा बहुत कम लगता है इसमें, और घर में सबके पास से घर में उपलब्ध होते हैं कपड़े, तो आप कोई भी कपड़ा किसी भी कलर का लेके आप बना सकती हैं। बहुत ही आसान तरीके से घर बन जाएगा। अब चलिए, मैंने इतना कपड़ा लिया है, लंबाई इसकी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा चुनट पड़ती है। फिर इसके बाद इसको ऐसे करके आप मोड़ लीजिए। देखिए, ऐसे करके हमने इसको मोड़ लिया है। अब इसके बाद यहाँ से हम यहाँ पर सिलाई चालू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई करेंगे। चलिए मशीन में इसकी सिलाई करते हैं। ये देखिए, ये मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब सिलाई कंप्लीट हो गई इसकी। इसके बाद अब इसको पलटना चाहिए। तो कैसे पलटते हैं, देखिए ये तो चौड़ा बना हुआ है तो इसलिए ये आसानी से पलट जाएगा, परंतु जब आप पतला बनाएंगी, जो इतना पतला, जो बहुत पतला बनता है, तो उसके लिए पलटने के लिए आप ऐसे नहीं पलट सकती हैं। इसलिए इसके लिए ये रास्ता है। ये देखिए, ऐसे करके आप एक बड़ी सुई लीजिए और ऐसे इस तरीके से आप इसमें फंसा दीजिए। इस कपड़े में आप ऐसे, ये देखिए, ये बड़ी सुई, और फिर इसके बाद आप उल्टी सुई ऐसे करके, इस तरीके से ऐसे करके आप ये देखिए, इधर से सुई ये निकाल के ऐसे करके और आप आसानी से इसको पलट लीजिए। अगर पतला ज़्यादा बनाएंगी तो वो भी इसी तरीके से पलटा जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, सुई की सहायता से जब आप पतला बनाएंगी तो इस ऐसे ही आपको पलटना पड़ेगा। इसको आप कट कर लीजिए, बस। ये देखिए, ये अब कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट। अब इसमें लास्टिक डालते हैं, लास्टिक डालनी पड़ेगी। तो अब लास्टिक को इसको ऐसे पिन से फंसा के, सेफ्टी पिन से आप ऐसे इस तरीके से आप इसमें लास्टिक डाल लीजिए। देखिए, मैंने इसमें लास्टिक डाल दी है। ये देखिए, लास्टिक पड़ गई है। अब इस लास्टिक के दोनों छोर पकड़ के आप इसी मोटी सुई से आप इसको सिल दीजिए। पतली सुई से नहीं सिला जा सकता क्योंकि ये देखिए, इसमें ऐसे करके आप सिलाई कर लीजिए। अब आप यहाँ ऐसे करके कट कर लीजिए। देखिए, ये आप, ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया। आप इनको क्या करेंगे, आप ऐसे करके आप अंदर से थोड़ा थोड़ा करके आप ऐसे पलट लीजिए। इतना इधर तरफ भी आप इतना आप इधर तरफ भी पलट लीजिए। ये देखिए, इधर भी इतना पलट लीजिए और इधर भी, और जो सिलाई वाला छोर है उससे आप ऐसे करके दोनों को आपस में ऐसे आप दोनों को मिला लीजिए। इसके बाद आप छोटी सुई से इसी कलर का तागा डाल के इस तरीके से आप इसको छोटे छोटे तागे से सिल दीजिए। ऐसे करते, ऐसे करके फिर आप ऐसे घुमा लीजिए। फिर आप इसको छोटा पतला करके लीजिएगा। ज़्यादा लेंगी तो कपड़ा भी चुनट का कम पड़ जाएगा। ये देखिए, फिर आप देखिए सिलाई ऐसे करके। ऐसे घुमा लीजिए।
ये देखिए, ये कपड़ा ज़्यादा नहीं अंदर मोड़ना है, थोड़े ही कपड़ा अंदर मोड़ना है, या ऐसे करके ये लीजिए, ये देखिए, ये देखिए ऐसे करके इस तरीके से आप सिल लीजिए, ये देखिए कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये बनके आपका हेयर बैंड आपका तैयार हो गया है। ये देखिए, ये मैंने बैंड कंप्लीट हो गया मेरा, बना के कंप्लीट कर दिया है। और देखिए, मैंने छोटे साइज़ का भी बनाया है, ये मैंने बड़ा साइज़ का बना के आपको दिखा दिया है। आप किसी भी तरीके का बना सकती हैं, किसी कलर का बना सकती हैं, ये घर में बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। और देखिए, मैंने छोटे बड़े सब करके बनाया, आप जैसा भी चाहे आप बना सकती हैं, और आप आराम से अपने हाथों से तैयार करके किसी भी कलर का आप अपने बालों में लगा सकती हैं। और उम्मीद है कि ये बैंड आपको पसंद आए होंगे और मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।